भाई यहाँ से एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पे रश देख लो एक बार कितना है। भाई ये बंदर भी काफी है, इनका भी डर होता है, ये भी फोन खींच के ले जाते हैं, वहां में देते नहीं है। भाई रश देखो। तो भाई यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में काफी ज्यादा घोड़े मिल जाएंगे, तो और इनका भी रेट काफी हाई होता है, मेरे ख्याल 700 के पास होगा। आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरे ख्याल से 700 के नीचे आएंगे ये। भाई कितना रेट है घोड़े का? डोड़ घोड़े का इतना रेट है 1250। ओ भाई साहब 1250। अभी यहाँ से भवन नहीं, यहाँ से अधकुआरी तक होता ना ये, अधकुआरी तक घोड़ा 1250 रुपए में। अभी ना नवरात्र चल रहे, इस कारण उन्होंने रेट काफी हाई कर दिए हैं, वरना 700 रुपए में चल पड़ते हैं। तो अभी हमने माता की यात्रा शुरू कर दी है, सो गाइस यहाँ से हमने माता की यात्रा शुरू कर ली है अभी स्टार्टिंग से ही। तो एक बार माता का जयकार लगाते, सारे बोलो जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी। तो अब माता के नाम लेकर हमने यात्रा शुरू कर दी है। तो अभी गाइस हमें मतलब मिनिमम तो 4 घंटे तो लग ही जाएंगे यार ऊपर पहुंचते पहुंचते, और उसके बाद रश इतना होगा कि दर्शन करने में हमें 1-2 घंटे लग जाएंगे। भाई इतना रश है आज। चलो फिर मिलते हैं आपको आगे, बाय। 5 minutes later। भाई काफी रश है यहाँ पे, तो ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, यहाँ सीढ़ियाँ जाती हैं, ये शॉर्टकट है, बट यहाँ पर अगर सीढ़ियाँ चलोगे तो आपके खलिया पड़ने पक्की हैं, क्लैंप पड़ने पक्के हैं, इसलिए हम तो यही यात्रा करते हैं, चाहे थोड़ा टाइम लगेगा बट ये यात्रा बेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मैं काफी ब्लॉग बना नहीं पाया, तो वरना फिर भाई यहाँ पे ना जब भी आओगे ना आपको सफेद कलर की व्हाइट कलर की शीप बकरी जिसको हम कहते हैं बकरी, वो भी जरूर मिलेगी। वो भी पीछे काफी सुंदर लगती है, कुछ कहते भी नहीं है, पास पास आती है। तो अभी वो हम देखिए, मिस आपको ब्लॉग में इसलिए मिस कर दिया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और काफी भाग के शेड के नीचे, पीछे शेड नहीं थी। अब आगे भी देखो शेड नहीं है, तो लोग कैसे वेट कर रहे हैं, बट हम जाएंगे, भीगते हैं तो भीगे कोई बात नहीं, चलो बुलाया है माता ने बुलाया है, चलेंगे बारिश में चलेंगे। नहीं तो यहाँ मामा ये देखो, ये देखो भाई काफी देर बारिश आ रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो सॉरी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया बीच में, काफी बारिश हो रही थी, सो अब हम कहीं खाने के लिए रुके हैं, तो अभी आगे भी ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बारिश बहुत तेज है, तो उसके लिए सॉरी। जब बारिश होगी तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी हम खाने के लिए, अभी हमने चाय वगैरह मंगाई है और ये अभी घर से लाए थे पूरी वगैरह, आलू और ये मैगी सबकी फेवरेट। तो आगे बात करते हैं जब बारिश हुई, थोड़ा खा पी ले, भूख पी ले। बाय। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भीड़ काफी मिलती है, ये देखो ये मतलब इतनी, ये कुछ नहीं कहेंगे, आप इनके पास जाओगे इनको हाथ लगाओगे इन्होंने कुछ नहीं कहना, ये मतलब यहाँ पे कम से कम 50-60 आएंगे। तो आपको मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ कहाँ से आए हैं, ये 1 सेकंड। ये जो भाई आपको लाइट शायद दिख रही हो, हाँ अब दिखेगा भाई, ये जो लास्ट में जो आपको ये दिख रही है ना, ये रेड लाइट, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी जर्नी, ये वाली रेड लाइट यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। अब हम इतनी ऊपर आ चुके हैं, अभी 4-5 किलोमीटर हो गए हैं, तो माता का आशीर्वाद है कि आराम से आ गए हैं, तो ये भी थकान ज्यादा नहीं हुई, ठीक है। और ये भी काफी भाई अच्छी होती है, कुछ नहीं करती, इनको प्यार करो, ये लो इन्हें कुछ नहीं कहना, ये काफी इनके इसके बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कहते, ये देखो ये काफी मिल जाएंगे यार, काफी सॉफ्ट भी काफी प्यारे होते। Oh my God! Wow! और ये दोनों मेरे भाई, अब हम आपको अधकवरी जाके आगे ब्लॉग दिखाएंगे। ओके बाय। 2 hours later। सो भाई अभी हम अधकवरी पहुंच गए हैं, वो हमारे पीछे देख रहे हो, वाह वो अधकवरी, ठीक है वो जो बिल्डिंग है ना वो अधकवरी की है, और ये व्यू पॉइंट है, दिन में व्यू पॉइंट देखने का मजा आता है, हम रात को पहुंचे हैं तो यहाँ को देखेंगे, ये दो लंगूर बैठे हैं, हाँ लंगूरी है, ये देखो हमने देसी जुगाड़ लगाया डंडा अटका के ट्रिप बैग में,
एक टावल लटकाया, बारिश आ गई टावल भीग गया था, और एक साइड शूज लगा रहे। एक्चुअली ना मेरे ना इन्फेक्शन आती है जब शूज ज्यादा देर गिले डालू ना मैं, तो मेरे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने अभी पैर में स्लीपर्स डाली हुई है और शूज यहाँ पे लटकाए हैं सूखने के लिए। अब मैं आपको व्यू पॉइंट व्यू दिखाता हूँ भाई, ये व्यू है यहाँ से। अभी फोकस तो मेरे फोन का खराब हुआ पड़ा है, गला भी खराब है, फोकस भी खराब है, तो क्या बताऊँ आपको, फोकस खराब हुआ पड़ा सारा, कोई व्यू दिख नहीं था अच्छी तरह से। बट एक मैं आपको आइडिया दे दूँ कि मतलब काफी ज्यादा सुंदर व्यू है, वो नीचे जहाँ पे रेड लाइट है ना वहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, अब यहाँ पे आके पहुंचे हैं। अभी इतनी जर्नी और करनी है हमें, तो अभी मैं आपको अर्धकुंवारी वो रहा अर्धकुंवारी, वो देखो वो जो है ना ये पिंक कलर की छतरी, ये अर्धकुंवारी है। आपके बार यहाँ पे जाकर भी हम ना अच्छे से सारा बता देंगे कहाँ कहाँ क्या है, पूरा व्यू दे देंगे। तो अभी तो गला खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों टीका भी नहीं हूँ, गला बैठ चुका है। और अभी इनके साथ जाएंगे हम, इनको बस एक ही काम करना आता, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो चलो चलते हैं अब, देन सी यू लेटर गाइस, ओके। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी की गर्भजुन गुफा में, ये जो आप पीछे देख रहे हैं गर्भजुन गुफा है, देख लीजिए भाई। रात को अभी टाइम हुआ है, अभी भाई एक साथ हो रहे हैं, अभी एक साथ इतना रश है, तो हिसाब लगा लो सुबह कितना रश होगा। अगर सुबह रश कम होता है तो मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको अंदर से दिखाने की। ये बहुत पतली सी गुफा है, कि उन्होंने देखी होगी, ठीक है, काफी पतली सक्रिय, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय गुफा है, और बहुत मुश्किल होता है, मोटे लोग तो बड़ी मुश्किल निकल सभी जाते हैं, बट जो मोटे होते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो अभी तो इतना रश है, अभी हम पहुंचे हैं हल्के वल्के गए हैं, अभी कुछ खाएं पियेंगे, तो उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। बस 15-20 मिनट बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं सुबह सुबह तड़के तड़के पहुंचना है वहां पे, और 5 बजे वहां से जहाँ पे वो ऊपर उनका मंदिर, किसका मंदिर है ऊपर, भैरवघाटी है, जो ऊपर भैरवघाटी है ना वहां से जो व्यू मिलता है ना भाई सनराइज का, भाई कतल है कतल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी इसलिए हम जल्दी से कुछ खा पी के निकलते हैं। सो बाय, अभी हम आ चुके हैं सागर अपना जो की है अर्धकुंवारी में, इसकी 3 ब्रांचेस हैं, एक स्टार्टिंग है अर्धकुंवारी में और एक भवन के पास है, बड़े काफी फेमस भी है ये ना विदाउट वो कहते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं सागर अपना जो कि है अर्धकुंवारी में, एक स्टार्टिंग है गेट के पहले, एक अर्धकुंवारी में और एक है भवन के पास, ये विदाउट कहते हैं उसके गार्लिक वगैरह चीजें जो भी है, और इनके बिना बनाते हैं जो भी बनाते हैं, और भाई इतना टेस्ट बनाते हैं ना, मैं जब भी आना एक बार ट्राई जरूर करना, मैं तो हर बार इनसे खाता हूँ। और भी हमने 3 प्लेन सॉरी मसाला डोसा कर लिया है, और ये हमारे मसाला डोसा भी आ चुके हैं, हम देख सकते हैं अभी 2 आए हैं, अभी तीसरे बंदे का आ रहा है वो लेने गया। सो अभी हम आपको रिव्यू भी देंगे खा के कि कैसे हैं, ये मेरे भाई शुरू हो गया, कैसा भाई, अच्छा तो ठीक है, मैं भी खाऊंगा अपना, और अभी मेरा भाई भी अपना लेकर आ रहा है, उससे भी रिव्यू लूंगा। सो अभी हम खा के आपको रिव्यू देते हैं, तो और अभी इसके बाद हम ऊपर जाएंगे और आपको पूरा सनराइज का यहाँ व्यू दिखाती है भाई, खा के बता कैसा भाई, जम्मू के हैं डोगरे भाई, देखो मजाक के मान जब भी आओ एक बार ट्राई करो, और रेट भी जेन्युइन है, कुछ ज्यादा नहीं है, 70 रुपए का मसाला डोसा है और 60 का प्लेन डोसा है, कुछ ज्यादा रेट नहीं है, जेन्युइन है, और आओ तो जरूर ट्राई करना, ओके। अभी हम खा के आपको फिर बात करते हैं। 2 hours later यार अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली, काफी थोड़ी ज्यादा देर की हमने चढ़ाई की है, तो ये दोनों भी साथ में, ये देखो चादर ली हुई है भाई, ठंड बहुत ठंडा, मजाक के बाद भाई बहुत ठंडा है। सो यहाँ पे काफी और भी लोग आए हैं भाई, इतना सुंदर भवन लग रहा है ना, मजाक है भाई, मजा आ गया, दिल खुश होगा देख के, आपको भी दिखाता हूँ, ये चेक करो यार, मैं कहता हूँ मजा आ रहा है यार भाई, क्या बात है, रुको आपको थोड़ा और दिखाता हूँ भाई, ऑसम यार, क्या लग रहा है यार भाई, मजाक की बानी, मजा आ गया देख के, इतने पहली बार इतना सुंदर लग रहा है भवन भाई। चलो आपको आगे जाके भी दिखाते हैं भवन के पास जाके, अभी किलोमीटर रह गया मेरे हिसाब से, आगे जा किलोमीटर रह गया, आगे जाके दिखाएंगे आपको पूरा भवन, और दर्शन भी जाएंगे माता के, अगर अंदर अवेलेबल हुआ फोन मतलब परमिशन हुई फोन लेके जाने की, तो माता के दर्शन जरूर कराएंगे भाई, ऑसम लग रहा भवन भाई, मजा आ गया देख के, आगे मिलते हैं, जय माता दी।
2000 years later. भाई ये असली फूल है सारे, भाई असली फ्लावर्स हैं ये सारे फ्लावर्स, ये देखो ये आगे ये वाली, ठीक है रुको जरा, पर ये देखो भाई ये सारे फ्लावर, ये रेड वाले भी असली फ्लावर हैं भाई, ये सारे अंदर तक सनफ्लावर, ये जो भी एक एक जो यहाँ पे फ्लावर किया भाई असली किया, और भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार, मजाक ही वाले भाई। और यहाँ पे तो कई फ्लावर, ये सारा भरा पड़ा था फ्लावर से, मैं कुछ ने बताया, बट लोगों ने ना यार लोगों की कोई हरकत नहीं समझ आती, अच्छा वाला सजा होता है, और ये लोगों ने देखो सारे उतार दिए हैं यार, इतने अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं, इतना सजा सजा हुआ था, लोगों ने यहाँ से फ्लावर बेवकूफ है यार लोग, बेवकूफ करते हैं ये भाई, हर ऐसे फ्लावर तो मेरे साथ मैंने देखे होंगे, देख शायद ही देखे होंगे, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर लगाए हैं ये देखो, ये भाई मतलब एक साथ ना हर टाइप का फ्लावर लगाया है। तो अभी मैं आपको दो मिनट तक अंदर ले जाऊंगा, वो मेरे जो भैया वो भेज देने भैया, आपको थोड़ी देर तक अंदर ले जाऊंगा, आपको अंदर सारा टूर दिखाऊंगा, बाकी फ्लावर दिखाऊंगा, सारी सजा दिखाऊंगा, ओके भाई। लोकल दिख भाई, वो माता रानी का भवन भाई, आप व्यू देखो, काफी लोग यार, काफी लोगों की आवाज आपको, आपको मैं वहां का भी भाई, वहां सारी खाई भाई, लोग तो ऐसे तुझे पड़ेंगे पानी लंगा लगा था, अन्य भाई पड़े चलो हम भी उनके उनमें भाई, देखना भाई व्यू देखो ना, वीडियो बना रहा हूँ।